हेलो एवरीवन, तो यार यूपीएस डबली वालों का काउंसलिंग शेड्यूल आउट हो चुका है। फिलहाल अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। आई होप बहुत ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। और अभी रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव हो गया है, यहां से आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। आप आई एग्री करेंगे, उसके बाद में कुछ जेई का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डाल के आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा एक नंबर, और एक यहाँ पर ईमेल आईडी आपसे आगे मांगा जाएगा, वो आपका वेरिफिकेशन होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, जो भी लोग होम स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर आप होम स्टेट कोटा के लिए क्लेम कर रहे हैं, अगर नहीं है तो डोमिसाइल बनवा लीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑन स्पॉट जल्दी से जाके फॉर्म मत फिल करना। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म जल्दी से फिल कर देंगे तो आपको अलॉटमेंट जल्दी से मिल जाने वाली है। और ये आपका एक तरह का टेंटेटिव शेड्यूल है ना, बस ये ग्रुप वाइज कहीं से सर्कुलेट करते हुए आया हुआ है हमारे पास, है ना। इसको अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका राउंड वाइज इसमें कहीं पे अभी के लिए फ़िलहाल नहीं दिया हुआ है। रिमेनिंग यूपीएस डबल की काउंसलिंग डिपेंड अपॉन द फ्लैक्सिबिलिटी, डिपेंड अपॉन द नीड कि कितने कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं, कितनी चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो सिंपली अभी देखोगे आप तो 20th of September तक रजिस्ट्रेशन है, जो भी लोग राउंड वन से राउंड फोर तक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, तो वो इस डेट के बीच में आपका यहाँ पर क्वेरी आएगा, वो रेज होगा, उसको आपको क्लियर करना होगा। आफ्टर देन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, आपको लॉकिंग करना होगा, सीट अलॉटमेंट होगी, फिर फ्रीज और फ्लोट के ऑप्शन आएंगे। अगर आप काउंसलिंग से विड्रॉल लेना चाह रहे हैं तो फीस आपको जो पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस है 20,000 और 12,000 रुपीज़, वो आप अगर नहीं पे करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाते हैं काउंसलिंग से। अभी देखो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हिडन हैं, राउंड वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं दे रखा है, राउंड वाइज मॉडिफिकेशन की कहीं पे चॉइस फिलिंग की बात नहीं की गई है, लेकिन हाँ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ऑल्टरनेशन बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल ये तो अच्छा है और इसी तरीके से पूरा कंप्लीट प्रोसेस चलता रहेगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। हाँ, ये ऑप्शन चेंज करने का दे रखा है, मॉडिफिकेशन दे रखा है। रिमेनिंग अभी देखो ऑटो फ्रीज है ये राउंड थर्ड में, है ना। राउंड थर्ड में आपके पास में कुछ इस तरह का ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट चॉइस ऑटोमेटिकली विल बी फ्रीज, ठीक है। आफ्टर देन जो राउंड थर्ड है ये लास्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आप विड्रॉल लेंगे तो कुछ अमाउंट आपका रिफंड हो जाता है। राउंड टू में लेंगे तो रिफंड ज़्यादा हो रहा है, आप देखेंगे 15,000 और 9,000 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 10,000 और 6,000 हो रहा है। जितने भी कैंडिडेट को सीट्स मिल जाएंगी उनको फिजिकली अपने कैंपस पे जाकर रिपोर्ट करना मैंडेटरी होगा, जो भी लोग अपना फ्रीज हो जाती सीट। और जो फोर्थ राउंड होगा उसमें सारे कैंडिडेट का ऑटो फ्रीज सिस्टम होता है, कोई भी आगे का मूविंग का कनेक्टिंग ऑप्शंस नहीं होता है। आफ्टर रिपोर्टिंग ऐसा ज़रूर होता है। जो फिफ्थ राउंड यहाँ पर दे रखा है, जो एज एन इंटरनल स्लाइडिंग राउंड है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फोर्थ के बाद प्राइवेट वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इनकेस कोई भी फिजिकल रिपोर्टिंग मिसिंग करता है तो उसका सीट कैंसिल कर दिया जाता है, समझ रहे हो। और उसमें फिर आपका ये वाला जो अमाउंट है वो भी नॉन रिफंडेबल हो जाता है, बिकॉज कोई भी राउंड फोर्थ में विड्रॉल पॉलिसी नहीं है। तो सिंपली आपको पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग बहुत फेयर तरीके से करना है और बहुत स्लो करना है। ऐसा मत सोचो कि जिसने भी एडमिशन ले रखा है आपको जल्दी से अलॉटमेंट मिल जाएगी, जल्दी से काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है। तो सिंपली जाके रजिस्टर करो, जस्ट लेट सी एंड वेट एंड वॉच वाला सीन है। तो देखो अभी करो काउंसलिंग, और बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी हम अपने चैनल पर बना रहे हैं यूपीएस डबली को लेकर, तो आप देन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किस कॉलेज को ऊपर प्रेफरेंस देना है, किसकी फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है, कहाँ पर प्रैक्टिकल्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो सिंपली अभी राउंड वन के लिए अपडेट है। रिमेनिंग राउंड टू में काफ़ी सारी चीज़ों का फ्लक्चुएशन आएगा, काउंसलिंग फ्लैक्सिबल होगी, ट्रस्ट मी। तो वीडियो आज के यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। बाय बाय।